जीवन में पाप कर्म के उदय के कारण अलग अलग मुश्किलें तो आने ही वाली है। शरीर बिगड़े, व्यापार बिगड़े, परिवार टूटे, मन बिगड़े, समाज में नाम इज्जत बिगड़े, सब कुछ शक्य है। प्रभु, मैं तुझे आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं कहूंगा कि मुझे बचा ले, मेरी मुश्किलों के सामने तू लड़ ले। मुझे ऐसा डरपोक बनकर नहीं जीना, अब मैं ही सभी मुश्किलों का सामना करूंगा। शरीर बिगड़ेगा तो सहन करूंगा, सुधारने के उपाय करूंगा। व्यापार बिगड़ेगा तो ज्यादा मेहनत करूंगा, खर्चे कम करूंगा, उधार चुकाऊंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, कोई मुझे दे कि न दे, मैं तो मेरा उधार चुकाऊंगा ही। परिवार टूटेगा तो मैं मेरा स्वभाव सुधारूंगा, दूसरों का स्वभाव खराब होगा तो उनको समझाऊंगा, फिर भी न समझे तो मैं उसे सहन करने की ताकत बढ़ाऊंगा। समाज में नाम इज्जत बिगड़े भी तो हकीकत में अगर मेरी भूल हो तो स्वीकार करूंगा, समाज के पास माफी मांगूंगा, और यदि मेरी भूल न हो, किसी ने गलत तरीके से मेरा नाम बदनाम किया हो, तो भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, उसके लिए भी प्रेम भाव ही रखूंगा। ये है मेरी जंग, मेरी जिंदगी के आपत्तियों के सामने मैं लड़ूंगा, मक्कम होकर लड़ूंगा। तुझे तो मात्र इतनी ही विनती करता हूँ कि तू सतत मुझे देखते रहना। मैं कहीं ये लड़ाई में गिर जाऊँ, डर जाऊँ, तो तुझे मेरा डर भगाना है, मुझ में उत्साह भरने का काम तुझे करना है। वो मेघ कुमार संयम जीवन से डर ही गया था ना, वो खुद की लड़ाई छोड़ने के लिए तेरे पास आया था ना, तूने उसमें भरपूर उत्साह भर दिया, ऐसा उत्साह कि दीक्षा छोड़ने वाले मेघ कुमार ने प्रतिज्ञा की कि जिन साधुओं की पैर की धूल के कारण मुझे दीक्षा छोड़ने का विचार आया, पूरी जिंदगी इन साधुओं की सेवा की धुन में लगा दूंगा। मेरा डर निकालने का काम तेरा, बाद में लड़ने का काम मेरा। करूँ रक्षा विपद माही, नैवी प्रार्थना मारी। करूँ रक्षा विपद माही, नैवी प्रार्थना विपद थी ना डरू को दी प्रभु प्रार्थना मारी। करो रक्षा विपद अभी तक मैं मांगता था, दुख सहन नहीं होते, दुखों को दूर करो, मुझे शांति चाहिए। अब पता चला कि दुख दूर होने से क्या मिलेगा, दुख तो ऐसे विचित्र है कि एक को निकालो तो दूसरा घुसता है, दूसरे को निकालो तो तीसरा घुसता है। ठंडी से परेशान होता था तो कुछ समय के बाद वो गई, पर फिर गर्मी की परेशानी शुरू हुई, वो गई तो बारिश की हैरानगति चालू हुई। कभी मच्छरों का उपसर्ग, कभी मक्खियों की खटपट, कभी बड़ी यात्रा में थकान, कभी परिवार की जवाबदारी का कंटाला। दुख तो परम मित्र की तरह साथ में ही रहता है, एक निकले तो दूसरा तो हाजिर ही है। अब ख्याल आ गया है कि दुखों को निकालना वो शांति का सच्चा उपाय नहीं है, पर दुख होने के बावजूद भी दुख को जीत लेना, दुखों को सहन कर लेना, दुख दुख लगाना ही नहीं, वही शांति का सही उपाय है। ये ज्ञान पाने के बाद विनंती करता हूँ, वो सुन। मेरे दुखों को दूर करने की जरूरत नहीं, उनको रहना है तो रहे और जाना है तो जाए। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी ही है कि मुझे वो दुख दुख लगे ही नहीं, मुझे दुखों के साथ रहने खेलने में मजा आए, इस तरह से दुखों को जीतूं, ऐसी अद्भुत शक्ति मेरे में भर दे। एक राजा अपने 3 मित्रों के साथ एक जंगल में से पसार हो रहे थे, रात को एक जगह पर नींद ले रहे थे। एक के बाद एक सब एक एक प्रहर जाग कर सबकी रक्षा करे, ऐसा प्लान करने में आया। रात्रि के प्रथम प्रहर में 3 लोग सोए थे, एक मित्र रक्षा कर रहा था, तब एक राक्षस आया। उस मित्र ने पूरा प्रहर उस राक्षस के साथ लड़ाई की, पर राक्षस तो अधिक से अधिक विकराल बनने लगा। दूसरा प्रहर शुरू हुआ, तब इस मित्र ने दूसरे मित्र को उठाया और खुद लड़ लड़कर बहुत थक गया और सो गया। दूसरे मित्र ने भी जोश में आकर एक प्रहर तक राक्षस के साथ लड़ाई की,
पर राक्षस कहां हारने वाला था, वो तो और भयानक बनने लगा। तीसरा प्रहर शुरू हुआ, दूसरे मित्र ने तीसरे को उठाकर वह खुद सो गया। तीसरे की भी यही हालत हुई। चौथे प्रहर में बारी आई वह राजा की। उन तीनों की हालत उन्होंने देख ली थी। वो समझ गए थे कि राक्षस को भगाना आसान नहीं, उसके साथ प्रेम से बात करूंगा तो ही उसे जीता जा सकता है। वह राजा ने उसके साथ लड़ाई तो चालू की, पर सतत राक्षस की शक्ति की प्रशंसा करता गया। राक्षस खुद की प्रशंसा सुन के शांत हो गया और राजा को परम मित्र बना दिया। ये घटना सुनते ही मुझे ख्याल आया कि उनके साथ लड़ाई करके उन्हें मारने जाऊंगा तो ये तो बढ़ते ही जाएंगे। मैं दुखों को दूर करते करते थक जाऊंगा, पर वो तो मेरा पीछा छोड़ने वाले है ही नहीं। मुझे तो उन राजा जैसा बनना ही पड़ेगा। वो दुख नाम के राक्षस के साथ ही मित्रता करनी पड़ेगी, उसे अच्छा मानना होगा। बस हे भगवान महावीर, तेरे साधुओं के जीवन में कितना सारा दुख है ही, फिर भी उनको कहाँ दुख लगता है। उन्होंने दुख को ही मित्र बना दिया है ना। ये दुख मैत्री मुझे भी देना मेरे परमेश्वर। दुख ताप थी शांति नेरी प्रार्थना मारी सहु दुखोश को जिसी प्रभु ही प्रार्थना मारी करो रक्षा विपद माही नहीं प्रार्थना मारी मेरी ही नहीं, पूरी दुनिया के तमाम लोगों की बड़ी भ्रमणा का आज मुझे भान हुआ है। मेरे पप्पा मेरी पढ़ाई के खर्च की सब व्यवस्था कर देंगे, मेरी मम्मी मेरी पत्नी मेरे तीन टाइम के भोजन की व्यवस्था कर देंगी, नौकर दुकान संभाल लेंगे, संतान बुढ़ापे में संभाल लेंगे, बड़ी बीमारी आए तो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स के पास मेरा ट्रीटमेंट कर लेंगे, परिवार बहुत विशाल है, घर में लग्न आदि प्रसंग या उपधान आदि प्रसंग आएंगे तो पूरा परिवार संभाल लेगा, मेरा CA होशियार है, सरकार चाहे जितने कानून बनाए उसमें से सारे रास्ते निकाल कर हमारे बिजनेस को आंच भी नहीं आने देगा, मेरा एजेंट कभी भी फ्लाइट की ट्रेन की टिकट निकाल के देता ही है। मैंने मेरे जीवन में सारे कार्यों में किसी ना किसी व्यक्ति की सहाय ली है और ले रहा हूँ, और मुझे ऐसा विश्वास हो गया है कि अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तब मेरे सपोर्ट के लिए सारे दौड़ आएंगे। मेरा काम अटकने वाला है ही नहीं। मेरी पहचान मेरे संबंध इतने इतने अच्छे हैं कि एक आवाज दूं इतनी देर मेरा काम हो ही जाता है। मेरे महावीर, मैं तेरे वचनों को भूल गया था। मुझे सारे कामों में मदद मिल रही है उसका एकमात्र कारण मेरा पुण्य है। ये पुण्य को लाने वाला कौन? मैंने पूर्व भव में जानते न जानते तेरे शासन की आराधना की, उससे ही तो ये पुण्य बंधा है। यानी कि हकीकत में तो मैंने ही खुद की मदद की है। मेरे शुभ भावों ने, मेरी धर्म आराधनाओं ने मेरी मदद की है। सब मदद करने वाले तो निमित्त मात्र है, मुझे उन पर विश्वास नहीं करना है। मुझे मेरी आत्मा के शुभ भावों पर विश्वास करना है। शुभम चक्रवर्ती को विमान में बिठाकर हजारों देव लवण समुद्र के ऊपर से पसार हो रहे थे, पर शुभम का पुण्य खत्म हो चुका था, इसीलिए एक साथ तमाम देवों को विचार आया कि हजारों देव विमान को टेका देकर उड़ा रहे हैं तो मैं एक टेका नहीं दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, और सबने एक साथ टेका हटा लिया। शुभम समुद्र में डूबकर मर गया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की दो आंखें फाड़ने में आई, कौन उनको बचा सका? प्रभु वीर को कोई भी उपसर्ग आए तो उसे अटकाने के लिए इंद्र सिद्धार्थ नाम के देव को प्रभु के पास रख कर गए थे, फिर भी जब जब उपसर्ग आए तब तब वो व्यंतर गायब रहता, उपसर्ग खत्म होने के बाद ही वापस आता। कौन बचा सका प्रभु वीर को? राम जैसे राम को 14 साल का वनवास हुआ, तब कहा गए थे सगे संबंधी, क्या कर रही थी माता कौशल्या? पांडवों को पत्नी और माता के साथ 12 वर्ष जंगलों में भटकना पड़ा, उस समय कृष्ण भीष्म वगैरह स्नेही कहा गए थे। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है।
यदि मेरा पुण्य उदय में होगा तो ही मुझे मदद मिलेगी। जिस दिन मेरा पुण्य खत्म, उस दिन मेरे साथ कोई नहीं होगा। इसीलिए मेरा यदि कोई मदद करने वाला हो तो वो पुण्य ही है, और पुण्य भी अंत में तो मेरी आत्मा के शुभ भावों से ही उत्पन्न होगा। इसीलिए सच्ची हकीकत तो यही है कि मैं ही मेरा सहायक हूँ, मददगार हूँ। मैंने शुभ भावना भाई, उससे पुण्य उत्पन्न हुआ, उस पुण्य का उदय हुआ, इसीलिए सब उत्साह से मेरी मदद के लिए दौड़ आए। ये है सौ टंच का सोना। अब मैंने ये तय कर लिया है, कोई मेरी मदद करेगा तो मैं व्यवहार से उनका उपकार पक्का मानूंगा, पर सबसे ज्यादा उपकार तो मेरी आत्मा का ही मानूंगा कि आत्मन, तूने पूर्व भव में जो भी अच्छे भाव भाए, अच्छे कार्य किए, उसके प्रभाव से ही आज मुझे सब कार्यों में सबकी तरफ से मदद मिल रही है और कार्य आसानी से हो रहा है। पर जिस दिन ऐसा बनेगा कि मेरे गिने जाने वाले लोग भी मुझे मदद नहीं करेंगे, मेरे स्वजन भी मेरा विश्वासघात करेंगे, मैं मदद मांगूंगा पर सब कोई ना कोई बहाना करके निकल जाएंगे, उस दिन भी मुझे उन पर क्रोध नहीं करना है, ऐसा विचार भी नहीं करना है कि ये सब तो स्वार्थी है, स्वार्थ पूरा हुआ इसीलिए सब भाग गए, किस लिए मैं उनका दोष देखूं, उनकी भूल है ही कहा, मुझे तो मेरी ही भूल देखनी है ना। मेरी आत्मा ने पुण्य कम बांधा होगा, मेरी आत्मा ने दूसरे लोगों का बिगाड़ा होगा, इसीलिए आज मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है, दोष मेरा ही है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं मेरी आत्मा को समझाऊंगा कि आत्मन, तेरी ही ताकत है कि तू अभी अच्छी भावनाओं को भावित कर, तू अब विशुद्ध अध्यवसायों में खेलता जा, बाद में तू देख किसी भी प्रकार की मेहनत के बिना सब अपने आप ही सीधा हो जाएगा, चमत्कार ही सर्जेगा। आत्मन, तुझे तेरे बल के ऊपर ही जीना है, तुझे तेरी ही मदद लेनी है, सिर्फ और सिर्फ तेरे भावों की। हाँ, जब तक वो भावों का फल न दिखे तब तक धीरज रखनी है, क्योंकि पूर्व भव के पाप कर्मों का फल पूरा न हो तब तक ये नए शुभ भावों का फल तो नहीं ही मिलेगा। भगवान, अभी ये सम्यक ज्ञान मेरे पास है, परंतु जब सच में मेरे जीवन में कटोकटी का सर्जन होगा तब भी मेरी ये समझ टिकी रहे, इतनी कृपा करना। मेरा आत्मबल, मेरे आत्मा के भावों का बल, मेरे जीने का आधार मात्र ये ही डोरी है जो मुझे दुर्भावों में, कषायों में गिरने नहीं देगी। ये डोरी टूटनी नहीं चाहिए। पंचम आरा है, भयानक कलयुग है, मानव पशु बनने लगा है, मानवता की शमशान यात्रा निकलनी बाकी है, भोगवाद इतना बढ़ गया है कि हर एक मानव पांच इंद्रियों के विषय सुखों के लिए पागल बनकर दौड़ रहा है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, पैसों के लिए सगे भाई के साथ भी कोर्ट में केस लड़ेगा, पैसा पाने के लिए खून भी करेगा, पैसा पाने के लिए हजारों असत्य बोलेगा, पैसा पाने के लिए किसी की मजबूरी का लाभ भी उठाएगा, मैथुन वासना के सुख के लिए बहन भाभी भतीजी को भी नहीं छोड़ेगा, जीभ के सुख के लिए सांप कॉकरोच जैसे प्राणियों को भी नहीं छोड़ेगा। आज मानव कुछ भी करने को तैयार है इंद्रियों के सुख के लिए, वो सुख देने वाले पैसों के लिए। इसीलिए आज किस पर भरोसा करना, कौन कब विश्वासघात करेगा, ये नहीं पता। जिस परिवार को पाला पोसा वो परिवार का सदस्य ही यदि घर में बड़ी चोरी करेगा तो, वो सालों पुराना नौकर ही घर में यदि बड़ी चोरी करेगा तो, मेरी ही पत्नी कोई पराये पुरुष के साथ प्रेम में पड़ जाएगी तो, मेरी ही संतानें मुझसे छुपकर मुझे कलंक लगे ऐसा कोई काम करेंगे तो, मेरे सालों पुराने दोस्त व्यापार के पार्टनर्स मुझे फंसा दे तो, जिसके ऊपर 100% विश्वास रख सके ऐसे लोग इस जमाने में बहुत कम होने लगे हैं। मुझे कई बार तो मनुष्य से पशु ज्यादा अच्छे लगते हैं, कम से कम खुद की वफादारी तो नहीं छोड़ते। क्या प्रार्थना करूं तेरे पास,
ऐसा मांगू कि मेरे साथ ऐसे छल कपट करने वालों का समागम होने मत देना, मुझे विश्वासु स्वजन देना? नहीं नहीं, इसके बदले तेरे पास दूसरा ही कुछ मांगता हूँ। मैं किसी का विश्वास न तोड़ू, इतना मुझे बल देना। दूसरे लोग अपना फर्ज निभाए या न निभाए, मुझे मेरा फर्ज निभाना ही है। पत्नी मुझे धोखा दे, फिर भी मुझे पत्नी को सच्चा प्रेम देना है। संतान मुझे धोखा दे, फिर भी मुझे संतानों को सच्चा मार्ग दिखाना है। कोई मेरी प्रशंसा करे या न करे, मुझे धर्म करना ही है। मेरा बहुमान कोई करे या न करे, फिर भी मुझे संग के लिए मेरा फर्ज निभाना ही है। लोग चाहे जितने बदल जाए, मैं मेरा सच्चा मार्ग कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मनी छड़ हानी थी रक्षो नई प्रार्थना मारी डगो ना आत्म प्रतीति थी प्रभु संसार सागर तरना है मुझे, तू एक बड़ा जहाज तैयार कर दे, उसमें बैठ जाऊं मैं, फिर मेरी नैया को पार लगा, जहाज चलाना तुझे है। ऐसी प्रार्थना अब तक मैंने बहुत की, क्योंकि आलसी था, मुझे अपने आप कुछ करना ही नहीं था। अब तो एक ही बात, इन हाथों में ऐसा जोश भर ले कि जहाज के बिना दो हाथों से ही तैरता तैरता सामने पार पहुंचू। अब तक तेरे पास मांगता था कि मेरा सभी भार तेरे ऊपर, मैं फ्री, पर ये भी तो भागने की ही चाल हुई ना। अब ऐसे भागना नहीं है मुझे, तू मुझे ऐसा बल दे कि मैं मेरे व्रत का भार उठा सकूं, मुझे वो भार भार ही न लगे। अब तक तेरी भक्ति के बहाने मैं तो ये कह देता था कि सब कुछ प्रभु ही कर रहा है, वही मुझे संयम का पालन करवाएगा, पर इसी बहाने मैंने मेरी बहुत सारी शिथिलता का पोषण किया, अब तो मुझे पुरुषार्थ करना ही है। प्रभु पांडवों की माता कुंती याद आती है, जब श्री कृष्ण ने कुंती को कहा कि बुआ जी, लोग मेरे पास कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और मैं देता भी हूं, पर आपने तो आज तक कुछ भी नहीं मांगा, आज कुछ तो मांग लो। कुंती ने कहा, यदि देना ही है तो हमारे परिवार को अधिक से अधिक दुख दो।
कृष्ण ने पूछा, बुआ जी क्यों ऐसा मांग रहे हो? लोग तो सुख मांगते हैं और आप दुख? कुंती ने जवाब दिया कि हम सब संसारी बहुत स्वार्थी है। जब हमारे दिन सुख में पसार होते हैं तब हम आपको भूल ही जाते हैं, जैसे कि दुनिया में भगवान है ही नहीं। पर जब हमारे ऊपर कोई दुख टूट पड़ता है तब सीधा आपको ही याद करते हैं, चिल्ला पड़ते हैं कि ओ भगवान। यही शब्द मुंह से निकलते हैं, दुख में सुमिरन सहु करे, सुख में करे न कोई। यदि हमारे जीवन में सदा के लिए सुख ही रहेगा तो हम आपको भूल ही जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि हम आपको भूले, इसीलिए हमें चाहिए दुख। दुख हमारा उपकारी बनेगा जो पल पल आपकी याद करवाएगा। मुझे कुंती माता की ये भावना अच्छी लगी, पर मुझे उनकी भावना में अभी भी थोड़ी सी कमी लगती है। सुख में प्रभु को भूल जाए ये तो बड़ी कमजोरी कहलाती है हमारी। मैं मेरी प्रार्थना बदलता हूँ। पुण्योदय होगा तब सुख के दिन आने ही वाले हैं, पापोदय होगा तब दुख के दिन आने ही वाले हैं। दिन और रात के जैसे सुख और दुख तो बदलने ही वाले हैं। भगवान, जब मेरे जीवन में सुख के दिन आते हैं तब मुझे ऐसा ही लगता है कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ही मुझे सुख दे रहे हैं। मेरी मेहनत से मुझे कुछ नहीं मिला, पर प्रभु की कृपा से ही मिला है। परदेश 2-3 साल के लिए पढ़ने गया हुआ पति वहाँ से पत्नी को पत्र भेजे, गिफ्ट भेजे, तो पत्नी को कितना आनंद होता है ना। वो प्रत्येक पत्र, वो प्रत्येक गिफ्ट उसे पति की मीठी मीठी याद दिला ही देती है ना। तो जीवन में जब जब सुख आए वो हर एक सुख मेरे लिए प्रभु की भेंट ही है। उस हर एक भेंट के वक्त मुझे प्रभु की मीठी मीठी याद आनी ही चाहिए। सुख में तुझे भूलने की तो बात ही नहीं, पर सुख में तुझे बार बार याद करूं, स्नेह से प्रेम से भरा हुआ तेरा स्मरण करूं, तो ही मैं तेरा सच्चा चाहक। दूसरी बात, दुख आता है तब सब भगवान को याद करते हैं। ये बात वैसे तो सच्ची है, परंतु उस समय ऐसी अपेक्षा होती है कि भगवान को याद करने से मेरे दुख दूर होते हैं। अब यदि प्रभु को याद करने से भी दुख दूर न हो तो वो 2-3 बार तीव्रता से याद तो कर लेते हैं, पर बाद में दुख खड़ा ही रहे तो भगवान के ऊपर की श्रद्धा टूटने लगती है। मन में शंका उत्पन्न हो ही जाती है कि भगवान नाम की चीज हकीकत में है भी या नहीं। यदि होती तो मेरी इतनी प्रार्थना के बावजूद भी भगवान दुख को दूर क्यों नहीं करते, और शंका आगे बढ़ने बन जाती है निश्चय। भगवान मात्र एक कल्पना है, लोगों को ठगने के लिए साधुओं ने खड़ी की हुई माया जाल है। भगवान, डैम विद गॉड। महामित्या तो खड़ा होता है तब, महानास्तिकता प्रकट होती है तब। संसार में ये सब देख चुका हूँ, मुझे ऐसे शंकाशील मिथ्यात्वी नास्तिक बनना ही नहीं है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है तुझे, मेरे जीवन में दुख तो आने ही वाले हैं, उस समय तेरी याद आने ही वाली है। सुख में यदि तुझे प्रेम से याद करूं तो दुख में तो वो याद तीव्र बनने ही वाली है। पर तुझे याद करने के बाद भी मेरे दुख दूर न हो, तुझे याद करने के बाद भी दुख बढ़ते ही रहे, तो दुनिया के लोगों के जैसी मेरी हालत नहीं होनी चाहिए। भगवान, दुख को निकालने के लिए मैंने तुझे याद किया ही नहीं, मैंने तुझे याद किया है मेरे स्नेह राग से, मेरी ममता से। दुनिया से अलग प्रकार की 7 प्रार्थनाएं तुझे की है। सच्चे भाव से की हुई प्रार्थना अवश्य फल देती ही है। मुझे एक बात का दुख हमेशा रहेगा, लोग तेरा उपयोग मात्र खुद के स्वार्थ के लिए ही करते हैं। सुख पाना हो तब, दुख निकालना हो तब वो तेरे पास आते हैं। उनके मन में तेरी कीमत एक डॉक्टर जितनी, एक पुलिस जितनी, एक वकील जितनी, एक सीए जितनी, जैसे इन सबको काम के लिए ही सिर्फ याद करते हैं बाकी नहीं, वैसे तुझे ये करोड़ों लोग खुद के काम के लिए ही याद करते हैं बाकी नहीं। खैर, दुनिया की दुनिया जाने, मेरे मन तो तू मेरा सर्वस्व है। मुझे तो तुझे किसी भी काम बिना ही याद करना है, करता हूँ और करता रहूंगा। वही तो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निर्दोष प्रेम। मेरा प्रेम अमर है, अद्वितीय है, अलौकिक है। सुखी दीनी स्मरु शंका तुझ विषे आवे प्रभु प्रार्थना मारी करो रक्षा।
जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।